बहुत ही पॉपुलर प्लेस पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, और ये सतनामी समाज वालों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, हिस्टोरिक जगह है। तो मैं भी सतनामी समाज से हूँ, तो मैं आज आ चुका हूँ किरतपुर धाम। यहाँ गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म हुआ था और उसी के गुरु घासीदास बाबा जी के यहाँ पे बहुत सारे जय स्तंभ बनी गई है उसी की याद में, और ये बहुत ही फेमस जगह हो चुका है आज के ज़माने में। तो 3 दिन का मेला भराया हुआ है यहाँ पे 2023 में, हर साल भराता है चैत्र में, चैत्र के माह में। अभी है बेसिकली फरवरी चल रहा है, अप्रैल, तो 3 दिन का मेला है, कल लास्ट है। हम लोग आए हैं दूसरे दिन, यहाँ से अपन कल झंडा चढ़ेगा जय स्तंभ में। हमारे बाबा जी ने बोला था कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, तो हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। हम लोग के यहाँ पे सतनामी समाज में चलता है जय स्तंभ, तो हम लोग आप जय स्तंभ में झंडा चढ़ाते हैं वाइट कलर का। तो कल चढ़ेगा हमारे यहाँ का जय स्तंभ में, और यहाँ गिरौदपुर धाम में पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जय स्तंभ भी बना हुआ है। नहीं दिया जा रहा है अभी, अंदर नहीं जाने दिए जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ कारण से पता नहीं, कुछ इशू वगैरह हो गया होगा। लेकिन अपन पहले आते थे तब चढ़ते थे वहाँ पे, अभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन अपन बाहर से दिखा सकते हैं आप लोगों को तो मैं वीडियो दिखाऊंगा। आप लोग वॉच करते रहें मेरे वीडियो को, और वीडियो में बन रहे, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे और आपको यहाँ घूमने के चाहत हो, आना चाहते हो आप लोग, तो यहाँ पे गूगल मैप पे सर्च करके गिरौदपुर धाम सर्च करके आ सकते हो। यहाँ इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशन भी स्थित हैं घूमने के लिए, सो मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। सो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।